अब हर प्रदेशवासी ने ठाना है मिशन 2030 को सफल बनाना है, इसलिए सभी वर्ग निभा रहे हैं अपनी भागीदारी और दे रहे हैं एक से एक बढ़कर सुझाव और जीत रहे हैं लाखों के पुरस्कार और वो भी रोजाना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अनूठी पहल बना रही है राजस्थान के विकास की गति को 10 गुना। आइए देखें कौन कौन बने हैं आज के इस मिशन 2030 कॉन्टेस्ट के पहले 3 विजेता। राजस्थान मिशन 2030 के आज जारी हुए परिणामों के पहले विजेता हैं। नमस्कार, मैं अक्षरा गौतम। राजस्थान में बालिकाओं पर बढ़ते अपराध को नियंत्रित करने के लिए राजस्थान सरकार को कुछ सुझाव देना चाहूँगी। बालिकाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए राजस्थान सरकार सेल्फ डिफेंस कोर्स अनिवार्य करे। सेल्फ डिफेंस कोर्स को 3 चरणों में बांटा जाए। पहला, 6th से 8th तक की बालिकाओं को बेसिक कोर्स, 9th से 12th तक की बालिकाओं के लिए एडवांस कोर्स तथा 12th के बाद बालिकाएं इस कोर्स को सीखे भी और सिखाए भी, कॉलेज मास्टर ट्रेनिंग कोर्स। शारीरिक सशक्तिकरण के साथ जरूरी है कि उन्हें कानूनी जानकारी भी दी जाए, इसके लिए 5 दिवसीय लीगल अवेयरनेस कोर्स भी अनिवार्य रूप से करवाया जाए। बालिका महिला सशक्तिकरण में भागीदार बन सके, इसके लिए उन्हें 2 स्थानों पर अवश्य रूप से भ्रमण करवाया जाए। पहला, महिला सलाह सुरक्षा केंद्र तथा दूसरा, महिला वन स्टॉप सेंटर, जिससे कि वह दूसरी महिलाओं की सहायता कर सकेगी। इन सुझावों के साथ मेरा कहना है, अगर मेरे राजस्थान की बालिका सशक्त होगी तभी तो सफल होगा मेरा राजस्थान मिशन 2030। धन्यवाद। 50,000 रुपए की इनाम राशि के साथ दूसरे स्थान पर। विकास के नए आयाम, 50 जिलों और 10 संभागों का हुआ हमारा राजस्थान। मेरा राजस्थान बदल रहा है, मेरा राजस्थान बढ़ रहा है। 7 अगस्त 2023 की ऐतिहासिक सुबह, जब सूर्य की रश्मियां धीरे धीरे पूर्णता को प्राप्त कर रही थी, उसी समय राजस्थान एक नया आकार और एक नया स्वरूप ग्रहण कर रहा था। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के नवसर्जित जिलों की शिला पट्टिकाओं का अनावरण किया तो मानो करोड़ों प्रदेशवासियों के बरसों पुराने सपने को पंख लग गए। 33 जिलों और 7 संभागों वाला हमारा राजस्थान 50 जिलों और 10 संभागों वाला प्रदेश हो गया। वर्ष 1956 में 2 करोड़ की जनसंख्या पर राजस्थान में 26 जिले थे। उसके बाद से अब तक 67 साल में प्रदेश की आबादी तो 3 गुना बढ़ गई, लेकिन नए जिले साथ ही बने। ऐसे में अपने काम के लिए लोगों को दूर दराज के गांवों से जिला मुख्यालयों तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। जनहित एवं विकास कार्यों में ज्यादा समय लगता था। गहन मंथन के बाद आखिर राजस्थान की तरक्की की राह आसान हुई और राजस्थान का नया स्वरूप सामने आया। नए जिलों और संभागों के सृजन से राज्य की प्रशासनिक इकाइयों का विकेंद्रीकरण होगा, उनकी क्षमताएं बढ़ेगी और कानून व्यवस्था मजबूत होगी। आमजन के प्रशासनिक कार्य अब नजदीक ही सुगमता से होंगे। अनूपगढ़ गंगापुर सिटी, कोटपुतली बहरोड, बालोतरा खैरतल तिजारा, ब्यावर जयपुर ग्रामीण नीम का थाना, दीख फलौदी, डीडवाना कुचामन, जोधपुर ग्रामीण, सलुम्बर दूदू, कैंकड़ी सांचौर और शाहपुरा जिलों के साथ ही बांसवाड़ा सीकर और पाली संभागों की स्थापना राजस्थान के विकास की सकारात्मक शुरुआत है। राजस्थान गर्व की एक मिसाल है। राजस्थान है तीसरे स्थान पर। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवाचारों के कारण आज राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शुमार हुआ है। जहां एक ओर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के खुलने से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आया, वहीं दूसरी ओर बाल गोपाल योजना, निशुल्क यूनिफॉर्म और मिड डे मील जैसी योजनाओं के चलते सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में बढ़त मिली। लेकिन राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कई कदम और भी उठाए जा सकते हैं, जैसे कि शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए एक अलग से टीम बनाई जाए जो कि समय समय पर स्कूलों में जाकर छात्रों का मूल्यांकन करे और जो भी छात्र इस मूल्यांकन में अव्वल आए उन छात्रों को प्रमाण पत्र दिया जाए, जिससे छात्रों का मनोबल बढ़ेगा। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में अधिक शिक्षकों को भर्ती करना चाहिए ताकि छात्रों को बेहतर प्रशासनिक सहायता और शिक्षा मिल सके।
शिक्षकों के प्रोफेशनल विकास के लिए प्रशासनिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए ताकि वे नए शिक्षा तरीकों को सीख सकें। डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी साधनों का प्रयोग करना चाहिए। गरीब और असमर्थ छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता और स्कॉलरशिप जैसे प्रोग्रामों को बढ़ावा मिलना चाहिए। साथ ही मातृ शिक्षा को प्रमोट करना चाहिए ताकि ग्रामीण और शहरी महिलाएं भी शिक्षित हो सकें। इसके अलावा शिक्षा में स्थानीय भूगोल और संस्कृति को शामिल करना चाहिए ताकि छात्र अपने स्थानीय संदर्भों से जुड़ सकें।